अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं सफ़र करने लगा हूँ कि ऑरेंज ट्रेन पे, ये है अनारकली का स्टेशन। अंदर चलते हैं और करते हैं स्टॉप। स्टेशन की एंट्रेंस वाकई ही बहुत खूबसूरत है और इस इधर सफाई का भी बहुत खूबसूरत निज़ाम नज़र आ रहा है। चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, सबसे पहले आ गया जी ये टिकट ऑफिस काउंटर। आप टिकट इधर से भी कलेक्ट कर सकते हैं और ये मशीन लगी हुई है, आप इधर भी ये कलेक्शन कर सकते हैं। जहाँ भी आपने जाना है आप सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम जो फेयर है इधर 40 रुपीज़ का है। मीन कि आप अगर आप नारकली से कहीं भी जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 40 रुपीज़ में जा सकते हैं। आप इधर 40 रुपये डाल के एक टोकन आएगा, हम इस टोकन को जी कर लेते हैं रिसीव। ये उधर से हमने पिक कर लिया, ये जस्ट ऐसा टोकन है। इधर हम करेंगे जी टच मशीन पे, गेट ओपन हो जाएगा और फिर हम चले जाएंगे जी अंदर। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। सीढ़ियों से नीचे ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से हमारी ट्रेन आएगी। हम सफ़र कर रहे हैं जी टूवर्ड्स ठोकर और मैंने जाना जी अली टाउन पे। ट्रेन की टाइमिंग है 4 मिनट बाद आ जाएगी। देखें जी कितना खूबसूरत स्टेशन नज़र आ रहा है। आपको स्टेशन देख के ऐसे फील आएगी कि आप वाकई ही कहीं यूरोप या मिडल ईस्ट की किसी कंट्री के अंदर ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन है जी ये हमारा लाहौर का अनारकली का स्टेशन, वाकई ही बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको रेट करें तो मैं तो इसको रेट 10 out of 10 करूँगा। और इस तक सफ़र करने का भी मज़ा आएगा। लो ट्रेन हमारी आ गई है, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर से ट्रेन कैसी है। अंदर से भी ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी और खूबसूरत है। इसके ऊपर एक ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है। इस वक्त मैं हूँ जी इधर अनारकली स्टेशन पे, उधर की लाइट ब्लिंक हो रही है और जो जैसे जैसे स्टेशन आता जाएगा वो लाइन चेंज होती रहती है। ये है जी कुछ लाहौर का मंजर। ऑरेंज ट्रेन से आपको नज़र आएगा लाहौर, काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन बनी हुई है। इसका निज़ाम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें जी अब आपको बताते हैं कुछ फैक्ट ऑरेंज लाइन के बारे में। जो ऑरेंज लाइन ये ट्रेन है, पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होता और इसकी जो कुल लंबाई है वो है जी अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर और इसके जो स्टेशन हैं वो हैं जी 26, क्योंकि ये स्टार्ट होती है अली टाउन से और ये जाती है जी डेरा गुजरा तक। विद 26 अंडरग्राउंड स्टेशन है जिसमें 24 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड के स्टेशन हैं। इसमें इसकी जो इनॉग्रेशन थी वो की थी चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने 25 अक्टूबर 2020 में। तो इसको बने अभी तक 3 से 4 साल हो गए हैं और इसकी जो अगर आप देखें डेली कम्यूटिंग है लोगों की, वो है जी तकरीबन 2.5 लाख लोग इधर से जो रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ तक कॉस्ट है पर जो इसका वो पर रूट होता है उसके हिसाब से। इसके बारे में, ऑरेंज ट्रेन के बारे में एक फैक्ट आपको ये भी बताता हूँ। जो इसकी टेस्टिंग और ट्रायल थी वो स्टार्ट हुई थी जी नून लीग के दौर में, जो शहबाज शरीफ ने स्टार्ट की थी मई 2018 में। जो इसकी फर्स्ट टेस्ट रन थी वो शहबाज शरीफ साहब ने ली थी। ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है ये है जी पाकिस्तान और चाइना का जो मुश्तरका प्लान होते हैं उसके उससे बना है। ये जो साइन हुआ था वो हुआ था जी मई 2014 में। इसके ऊपर जो टोटल खर्चा आया था वो आया था जी $1.55 बिलियन 2014 में। जो इसकी कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हो गई थी वो हुई थी जी अक्टूबर 2015 में, जो कि स्टार्ट की थी जी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। चलिए जी फाइनली अब हमारा स्टॉप आने वाला है अली टाउन का। ये आ गया जी अली टाउन का स्टॉप, अब हम उतरते हैं यहाँ पे। और मैं फिर आपको बताऊँ इसकी जो सर्विस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और वो जो टोकन आपने उधर कलेक्ट किया था आप इधर इंसर्ट कर देंगे तो वो टोकन मशीन के अंदर चल जाएगा इधर, और जो गेट है ये ओपन हो जाएगा और आप बाइक जा सकते हैं। अभी जी पहुंच गया अली टाउन स्टेशन पे। अली टाउन पे आके जो ट्रेन है ये इधर इसका स्टॉप एंड हो जाता है। इतनी प्राइस में बहुत ज़बरदस्त 40 रुपये में सिर्फ आपको ये लेके आई है जी कि बस अनारकली से इधर।